अब बात करेंगे महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक रजनीश सेठ की, जिन्होंने मुंबई से सटे नायगांव इलाके में एक नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले वसई के वाली पुलिस स्टेशन के विभाजन के बाद नायगांव पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन अब महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ ने कर दिया है। आपको बता दें कि इस पुलिस स्टेशन के शुरू होने के बाद अब मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत 17 पुलिस स्टेशन हो गए हैं। नायगांव पुलिस स्टेशन के पहले वरिष्ठ अधिकारी के रूप में रमेश भामे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम के दौरान पालघर सांसद राजेंद्र गावित, पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे और डीसीपी प्रकाश अंबुरे समेत कई बड़े अधिकारी उपस्थित रहे। मिली जानकारी के मुताबिक नायगांव पुलिस स्टेशन का क्षेत्राधिकार नायगांव रेलवे स्टेशन पूर्व से लेकर कॉमन के थाने ग्रामीण पुलिस तक, वहीं उत्तर दक्षिण में चिंचोटी फाटा से लेकर वर्सोवा ब्रिज तक कार्यक्षेत्र रहेगा। आज नायगांव का जो पुलिस स्टेशन है, नया पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। इस नए पुलिस स्टेशन के निर्माण होने से यहाँ के जो नागरिक हैं उनको जो दूर जाना पड़ता था, अभी उनको जाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें नज़दीक ही यहाँ पुलिस स्टेशन में आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। जैसे मैंने कहा था कि यह पुलिस स्टेशन जो हमने स्थापन किया है, आखिर पुलिस स्टेशन स्थापन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जगह बढ़ गई थी, पॉपुलेशन बढ़ गया था और लोगों को दूर जाना पड़ रहा था, इसलिए यह पुलिस स्टेशन स्थापन किया गया है। और पब्लिक की सेवा में यह पुलिस स्टेशन हर वक्त अपना काम करेगी। सर, ज़्यादातर पुलिस स्टेशन है रेंट पे है, क्या कहेंगे आगामी कुछ उपाय योजना है? पुलिस स्टेशन जो रेंट पे है, वहाँ नए पुलिस स्टेशन निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू है। पुलिस महाराष्ट्र पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के पास फंड दिए गए हैं, प्रायोरिटी उनकी हमने तय की है और जहाँ जहाँ पुलिस स्टेशन या ख़राब हो गए हैं, ख़राब स्थिति में हैं या जो रेंट पे हैं, उनको प्रायोरिटी पे वहाँ नए पुलिस स्टेशन निर्माण करने की प्रक्रिया